यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं मई 2023 में, या फिर कभी भी पास्ट में आपने एग्जामिनेशन दिया है और आप वहां पे पास नहीं हो पाए हैं किसी भी रीजन से, तो ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट है। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि 10 मिनट की एक छोटी सी चीज जो आपको अपनी पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, हो सकता है आपको इतनी बेनिफिट दे कि आप इजिली अपने ग्रुप क्लियर कर पाए, अपनी जो सीए इंटर की एग्जामिनेशन है या फिर जो भी बच्चा ये देख रहा है अपने रिलेवेंट एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाए। मेरा पर्सनली मानना है कि जो भी बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, तो चलो कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं। एंड आई पर्सनली बिलीव कि जो भी बच्चे फेल हो रहे हैं उसमें से जरूरी नहीं कि सारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते। ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई किया, उसके बावजूद स्टिल रिजल्ट नहीं आ पाया, एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाए। थोड़ी सी वहां पे उन बच्चों को जिन्होंने मेहनत किया, पढ़ने के लिए इच्छुक है बट स्टिल एग्जामिनेशन नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, उनको ये चीज को जरूर ध्यान देना चाहिए जो मैं आप लोगों की इस वीडियो में बोलने जा रहा हूँ। साथ ही में जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए भी बहुत रिलेवेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, और इस चीज को इनकॉर्पोरेट करो अपनी स्टडी के अंदर। लास्ट मंथ में आपको कैसे रिवाइज करना है ये हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, किन किन चीजों को ध्यान देना है कि आप इजिली एग्जामिनेशन सिक्योर कर पाए। ठीक, अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो कि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। हाँ जी, तो आ गए हम लोग अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। ध्यान से देखना है लास्ट मंथ में आपको कैसे रिवाइज करना है, 100% आपको सक्सेस मिलेगी इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। बस आपको इन सारी चीजों को ध्यान देके अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक, मेहनत तो सारे बच्चे करते हैं और मेहनत करने से रिजल्ट आता भी है, बट डायरेक्शन जो है ना वो सही होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए सिलेबस बहुत बड़ा है और पूरी बड़े सिलेबस को कैसे समराइज किया जाए, कौन सी चीज रिलेवेंट है, किस चीज को छोड़ा जा सकता है, इस सारी चीजों को आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला चीज जो आपको अपनी स्टडी में इनकॉर्पोरेट करना है कि देखो बहुत सारी चीजें हैं जो लो टाइम टेकिंग एंड हाई मार्क्स के होते हैं, यानी कि कम से कम समय में उस चीज को आप कवर कर सकते हैं और वो इतने मार्क्स तो जरूर रखते हैं कि आप आराम से उनको पढ़ने के बाद पास हो सकते हो या एग्जामिनेशन ला सकते हो। उनकी आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन करनी है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी आपको दे रहा हूँ, जैसे कि अगर अकाउंट की बात करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क में सिर्फ 3 क्वेश्चन है, एएस जो भी है 4-5 एएस आपको देखना पड़ेगा, 25 मार्क्स तो यहीं पे आपके आ गए। ठीक, प्री पोस्ट 10 नंबर यहाँ पे आ गया, बोनस एंड प्रीफरेंस ईयर 5-5-10 नंबर यहाँ पे आ गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 8-10 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। ये डिपार्टमेंट बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, बस 2 डिपार्टमेंट में इंटर डिपार्टमेंट का ट्रांजेक्शन, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट निकालना है और स्टॉक रिजर्व निकालना है, 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। इंश्योरेंस 5-10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, बस 2 चीज पढ़ना है, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स है जिसको आराम से कम समय में रिवाइज कर सकते हो एंड आराम से इसको पढ़ने के बाद एग्जामिनेशन 60+ मार्क्स आते ही आते हैं बच्चों को, अगर आपकी एक्यूरेसी सही है, सिर्फ आपने पढ़ा नहीं अच्छे से किया भी वहां पे। तो ठीक, तो लो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट, लो टाइम टेकिंग चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट में ऐसे होते हैं कि कुछ चैप्टर बहुत कम टाइम में हो जाएंगे लेकिन बहुत स्कोरिंग है, हर एक अटेम्प्ट में आता है। तो हर एक अटेम्प्ट में आने वाले सिंपल चैप्टर को फ्रीक्वेंट रिवाइज करके एकदम ऐसे बनाना है कि 100% उसमें एक्यूरेसी हो। अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो आप 10 में से 10 लेके आते हो, क्योंकि छोटा चैप्टर है तो लेना संभव भी है। ठीक, वैसे ही कॉस्टिंग में देखो, मटेरियल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा है, लेबर प्रैक्टिकल पॉइंट व्यू से छोटा है, सिर्फ 3 वैरायटी के क्वेश्चन है जिसमें से एक लेबर कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन थोड़ी सी बड़ी है, चलो कोई बात नहीं। कॉस्ट शीट एक प्रॉपर फॉर्मेट है, एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक प्रॉपर फॉर्मेट है कि ओवरहेड को कैसे एलोकेट करना है ट्रेडिशनल वे में, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हर एक क्वेश्चन इसी वैरायटी पे आता है, 10 नंबर का आएगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात करो तो यहां से क्वेश्चन आएगा है ना, ज्वाइंट कॉस्ट से क्वेश्चन आता ही है, एंड प्रोसेस अकाउंट सिंपल सा एक फॉर्मेट है, देख के जाओगे आराम से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो, कंपेरेटिवली देखो ओवरहेड बड़ा चैप्टर है, बजेटरी से क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकता है ना, स्टैंडर्ड से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, सर्विस कॉस्टिंग से भी बच्चों से मिस्टेक हो सकती है, मैं मान सकता हूं, लेकिन ये जो छोटे छोटे चैप्टर है ये आराम से आप करके अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। एडवांस अकाउंट को बोलूं तो ई सब है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लिक्विडेशन, एनबीएफसी, बैंकिंग एंड बाईबैक, इतना करने से आराम से एग्जामिनेशन आ जाएगा एक इंसान का। तो हर एक चैप्टर का, वैसे यहाँ पे एफएम का मैंने लिख रखा है, ठीक, हर एक सब्जेक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कम समय में हो सकते हैं और ज्यादा मार्क्स सिक्योर करते हैं, उनको फ्रीक्वेंट रिवीजन करना है, बार बार सुबह उठ के आधे घंटे उन चैप्टर को पहले रिवाइज कर लो, एक बार गो थ्रू कर दो, फिर पढ़ाई अपना शुरू करो। सिर्फ आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन को करना है,
80% क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा वो ऑलरेडी पास्ट में पूछे जा चुके हैं उस कंसेप्ट से क्वेश्चन 100%। तो पास्ट ईयर का क्वेश्चन के लिए सबसे बेहतर है स्कैनर, अगर एक जगह आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन चाहिए तो, है ना। उसमें भी सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, टाइम टेकिंग प्रोसेस में नहीं फंसना है, मैक्सिमम क्वेश्चन को स्कैन करना है बस। अगर आप कंसेप्ट पढ़ लिए, दो पेज का एक चैप्टर का कंसेप्ट होता है, 2 से 3 पेज का, उसके बाद एक आध क्वेश्चन सोल्व करना है जो उस चैप्टर को कवर कर ले, साथ ही में मैक्सिमम क्वेश्चन को स्कैन करना है। बस आपको क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन हाँ समझ में आ रहा है, आपके अनुसार भी ऐसा ही होना चाहिए, यानी कि ठीक है। जरूरी नहीं पूरा क्वेश्चन, संभव ही नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन बनाते बैठोगे, है ना, और आपके कंसेप्ट क्लियर है, कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस भी है, बहुत सारे क्वेश्चन आप देख के आए हो, 100% आपसे सही बनेगा। लिप द फर्स्ट पेपर ऑफ योर ग्रुप, जो भी ग्रुप आप दे रहे हैं, मान लो बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो पहला पेपर अकाउंट पड़ेगा, सिर्फ सेकेंड ग्रुप दे रहे हैं तो पहला पेपर एडवांस अकाउंट पड़ेगा। देखो जब भी आपकी ये लास्ट मंथ है तो पहला पेपर आप दोगे ना, तो फर्स्ट पेपर के लिए लास्ट 5 days to 4 days अपनी अपनी जो टाइम ड्यूरेशन है, मेरी बात करोगे तो मैं लास्ट के 4 डेज उस पेपर को पढ़ता था, तो 4 से 5 दिन बच्चा निकालता है। अब जब देखो उसको 4-5 दिन डेडिकेटेड आपको पढ़ना है अकाउंट को या एडवांस अकाउंट को, जो भी आपका ग्रुप है, तो ऑब्वियसली उसमें तो आपको सफिशियंट टाइम मिल रहा है, तो उस पेपर को अभी बहुत टाइम नहीं देना है, क्योंकि आप अभी कितना भी कर लो आपको 5 दिन वहां पे पढ़ने ही पड़ेंगे, तब जाके बढ़िया से कॉन्फिडेंस आएगा। और फर्स्ट पेपर है तो आपको देना भी चाहिए 5 दिन, तभी जाके तगड़े वे में आप जाके प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन दोगे, ठीक। तो अभी इस ड्यूरेशन में उस पेपर को कम करना है, ज्यादा उस पे टाइम नहीं वेस्ट करना है, बल्कि ग्रुप के और जो पेपर है जिनको सिर्फ 1 दिन मिलेगा या 2 दिन, किसी एक एग्जाम में 2 दिन भी होता है, उसको ज्यादा पढ़ना है, और जो पहला पेपर है आपका उसको तो उस 5 दिन में 4 दिन में प्रिपेयर करना ही है, तो उसमें कम टाइम देना है आपको। नेवर डू मोर एनालिसिस। देखो कोई क्वेश्चन है एक तरीके से आपको समझ में आ चुका है और अगला तरीका भी वहां पे दिया हुआ है, सेमी क्वेश्चन अलग अलग टेक्निक से किया जा सकता है, ये ट्राई नहीं करना आपको एंड के दिनों में। कुछ बेसिक मान लो 20-30 क्वेश्चन हर एक टीचर ने कराए होते हैं, और क्वेश्चन की तो लिमिटेशन है नहीं, एक ही चैप्टर पे 100 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 200 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बहुत क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन आपको नहीं करने, जितना आपने पढ़ लिया है ना, जितना आपके टीचर ने पढ़ाया मोर देन सफिशियंट है एग्जामिनेशन के लिए। नई नई बुक नहीं पढ़नी, जो बुक से आप पढ़ चुके उसी बुक से, जो आपकी बुक है उसी को पढ़िए, जितना आपने किया है पास्ट में उसी को बस रिवाइज करिए, और जिस टेक्निक से समझा है उसी टेक्निक को बार बार एडॉप्ट करो, इससे एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और फास्ट भी करोगे, ठीक। नई नई चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, लिमिट योर स्टडी विद इन द स्कोप, जो आपका जो स्टडी है उसकी दायरा कम कर दो, एक सर्टेन सिलेबस के अंदर आएगा उतना ही आप ध्यान। थ्योरी पेपर के लिए लिखा है रीड मोर दैट टॉपिक फ्रॉम वेयर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन पास्ट, उसी टॉपिक को पढ़ो जहां से क्वेश्चन पास्ट में पूछा है। एक चैप्टर में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा होता है, 5-6 ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे होते हैं, हो सकता है किसी चैप्टर में 20 टॉपिक हो, ठीक, और बहुत सारे चैप्टर, किसी चैप्टर में डेफिनेशन इरिलेवेंट होता है, किसी में पेनाल्टी, किसी में प्रोसीजर, किसी में रिलेवेंट फॉर्म, तो हर एक चीज को याद करोगे बहुत समय लगेगा, बहुत कंफ्यूजन होगा। देखो पढ़ना आपको सब चीज है, लेकिन पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में हमेशा उस चीज को याद करो जहां से पास्ट में क्वेश्चन पूछा। फॉर एग्जाम्पल एक थ्योरी लेते हैं, मान लो कोरम लॉ में एक है ना, मीटिंग में कोरम आपको पता होना चाहिए, मिनिमम कोरम क्या होना चाहिए, है ना, कोरम में किस किस को कंसिडर करते हैं इस पे क्वेश्चन पूछा है, मिनिमम कोरम पे पूछा है, और कोरम प्रेजेंट ना हो तब क्या होगा, ये सिचुएशन पे क्वेश्चन पूछा है, तीन चीज, तीनों पे क्वेश्चन पूछा है, तो बस यही चीज आपको बार बार याद करनी है कोरम में, समझ रहे हो। वैसे ही मान लो ऐसे है एक रिलेटेड पार्टी से, उसमें बोलता है कि ऑडिटर को सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से, ये पहला लाइन है, और दूसरा कौन कौन सी ऐसे रिकॉर्ड्स है या कहां कहां से ऑडिटर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकता है ना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आपको कैसे पता चलेगा, तो उसमें 5-6 जो टॉपिक है कि इनकम टैक्स रिटर्न से या रेगुलेटरी अथॉरिटी को जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई किया है वहां से जो भी है, तो यानी कि आई डोंट नो शायद ये 5 से 50 ऐसे की बात कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, बहुत समय हो गया। अब देखो इस ऐसे में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आना है कि रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो बहुत, अगर 2 पेज में ऐसे है तो 2 पेज पढ़ के क्या फायदा है एग्जामिनेशन के लिए, आपको एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, तो हर एक टॉपिक का वही पोर्शन जहां से क्वेश्चन पूछता है सिर्फ उस पोर्शन को फ्रिक्वेंट रिविजन करना है, गो थ्रू करना जरूरी है एमसीक्यू के लिए, लेकिन उस पोर्शन का बिलीव मी एमसीक्यू में भी 70% एमसीक्यू इंस्टीट्यूट वहीं से पूछता है जो चीज आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी इफ एंड बट लगा के पूछ रहा है ना। चलो लिखा है मेमोराइज प्रोविजन ऑफ लास्ट रिवाइज बिफोर यू बिगिन न्यू रिविजन। मान लीजिए आज मैंने जो भी पढ़ा
कल सुबह जब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा तो मुझे आधे से एक घंटे देना चाहिए, आज जो भी पढ़ा ना सिर्फ उनका कंसेप्ट पढ़ने में, फिर नया शुरू करना चाहिए। इससे आपको रिपीटेड रिविजन का बेनिफिट मिलेगा। देखो एक बार जो चीज पढ़ लिया ना दिन भर लगा के, उसको सोचोगे ना तो 20 मिनट भी नहीं लगेगा पूरी दिन का किया हुआ चीज सोचने में। बस यही आपको करना है, सोचते रहना है बार बार इस दिमाग में फीड करने के लिए। ठीक, प्रैक्टिस से एक्यूरेसी मेंटेन होगी, कंसेप्ट रिटेन होगा, और फ्रीक्वेंट रिविजन यानी कि बार बार उस चीज को देखोगे तो कंसेप्ट एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इन सब चीजों को ध्यान देके पढ़ाई करो, डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा। ठीक, इसी वजह से मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, स्मार्ट स्टडी करनी है, चीजों को ध्यान देके पढ़ना है। अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं सिर्फ कि पढ़ाई को आप पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, पर उस बुक में क्या पढ़ना है आपको पता नहीं, एग्जाम में क्या पूछेगा आपको पता नहीं, तो उस पढ़ने में बहुत चीज आप इरिलेवेंट भी पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। ठीक, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अच्छा लगता है हमें। जो भी आपकी दिक्कत है कॉमेंट करो वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।